Assalamu alaikum. Welcome students at LRN. I'm Amir Shahzad. I have completed my BS honors from Punjab University, the Department of Center for High Energy Physics, CHEP. And after that, I have completed my MS in Nanotechnology from Center of Solid State Physics. And currently, I am working as ECAT Physics instructor at LRN. Iske saath jo hai, main KIPS College Bahria mein as a lecturer kaam kar raha hu. Bismillahirrahmanirrahim. Ab hai hamare paas chapter 7 aur topic hai simple pendulum. To sabse pehle jo hai hum baat karenge simple pendulum ki construction ke upar ke pendulum jo hai kin cheezon se milke banta hai. To simple pendulum ko banane ke liye hame ek rigid support chahiye hoti hai aur jisko hum yahan pe is tarah se mark kar lete hain aur uske baad hame yahan pe ek string chahiye hoti hai jisko hum is rigid support ke saath अटैच कर देते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं कि स्ट्रिंग का जो दूसरे वाला एंड होता है उसके ऊपर हम एक बाल को जिसको हम यूजुअली बॉब कहते हैं अटैच कर देते हैं जिसका मैस जो है यहाँ पे एम है तो इस तरह से जो पेंडुलम है वो हमारे पास बन जाता है उसके बाद हम बात करते हैं कि पेंडुलम की जो मोशन है वो किस तरह से होती है हम क्या करते हैं कि बॉब को इस पोजीशन से जिसको हम मेन पोजीशन बोला करते हैं डिस्प्लेस करके इस पोजीशन के ऊपर लेके आते हैं जिसको हम एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं और उसके बाद जो है हम इसको यहाँ से छोड़ देते हैं और हमारा जो पेंडुलम है इस तरह से इस पाथ के ऊपर जो है अपनी मोशन को रिपीट करता है और हम कहते हैं कि इस पाथ के ऊपर हमारा जो सिंपल पेंडुलम है वो वाइब्रेटरी मोशन को परफॉर्म कर रहा है अब हम देखेंगे कि ये जो मोशन है ये किस फोर्स की वजह से हो रही है एक्चुअली तो इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जब हम मैस को लेके आए उसके बाद हम क्या करेंगे इस मैस के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेट होगा तो हम वेट को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे अगर हम वेट को जो है उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना चाहें तो जैसे हम जो है यानी किसी भी वेक्टर को जो है उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने के लिए हम कहते हैं कि हमारे पास दो एक्सिस होनी चाहिए एक एक्स एक्सिस और दूसरी वाई एक्सिस जैसे मैंने यहाँ पर आपके लिए पहले से बना के रखी हुई हैं उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पर एक वैक्टर जो है बना लेते हैं और मान लेते हैं कि आपके पास एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो थीटा है और इस वेक्टर के हेड से लेके आप एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं यहाँ पे आपके पास दो एंगल बन जाएंगे और हमें पता है जहाँ पे दो एंगल बनते हैं उसको हम बेस बोला करते हैं और बेस को हम मानते हैं कि एक्स कंपोनेंट होता है और अगर ये एक्स कंपोनेंट है तो एक्स कंपोनेंट को हम कॉस ऑफ थीटा के साथ लिखा करते हैं ये वैक्टर खुद है ये बेस है तो ये जो रिमेनिंग होगा इसको हम परपेंडिकुलर मानेंगे और ये जो परपेंडिकुलर होगा इसको हम जो है y कंपोनेंट कहते हैं और y कंपोनेंट को हम साइन ऑफ थीटा के साथ लिखते हैं तो यहाँ पे हम कह देंगे जो y कंपोनेंट है ए साइन ऑफ थीटा है तो यही मैकेनिज्म जो है हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि जो वेट है अगर हम उसको उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके पास जो है दो एक्सिस होनी चाहिए एक ये स्ट्रेट लाइन है दूसरी ये लाइन है तो यहाँ पर जो है ना ये बात ज़रूरी है कि ये दोनों लाइन्स जो हैं एक दूसरे के इस तरह से जैसे हम यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए उसके बाद क्या करना है हमने कि एक लाइन के साथ इसका एंगल बनना चाहिए जैसे यहाँ पे एक्सिस के साथ इसका एंगल है तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये वाली जो लाइन है इसी को हमने एक्सट्रापोलेट किया है आगे यहाँ तक और ये वाली जो लाइन है यहाँ पर देखें तो वर्टिकल लाइन है और ये वाली लाइन भी वर्टिकल लाइन ही है तो यहाँ पर हम देखते हैं जितना एंगल यहाँ पर बनता है उतना ही एंगल यहाँ पर बनेगा तो इसका मतलब है अगर यहाँ पर जो एंगल है वो थीटा है तो यहाँ पर भी जो एंगल होगा वो थीटा ही होगा उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जो आपके पास वेक्टर है इसके हेड से लेके जैसे हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा किया था बिल्कुल इसी तरह से हम क्या करेंगे इसके हेड से भी परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और परपेंडिकुलर ड्रा करने का मतलब है कि ये इस लाइन के ऊपर 90 का एंगल बनाएगा जब ये 90 का एंगल यहाँ पर बन गया एक एंगल यहाँ पर है तो ये दो एंगल हो गए जैसे हमने यहाँ पर कहा था कि जहाँ पर दो एंगल होंगे वो बेस होगा और बेस को हम जो है वो एक्स कंपोनेंट मानते हैं और अगर ये x कंपोनेंट है तो इसको हम cos ऑफ थीटा के साथ लिख देंगे तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे आपके पास ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो पोर्शन होगा ये x कंपोनेंट के बराबर होगा और इसको हम लिख लेंगे mg और cos ऑफ थीटा क्यों क्योंकि हमें पता है जो x कंपोनेंट होता है वो cos ऑफ थीटा के साथ लिखा जाता है अब ये वेक्टर है ये x कंपोनेंट है तो रिमेनिंग आपके पास y कंपोनेंट होगा और y कंपोनेंट को हम क्या करेंगे sin ऑफ थीटा के साथ लिखेंगे और ये बन जाएगा आपके पास एम जी और साइन ऑफ थीटा तो इस तरह से जो है हमने क्या किया ये जो वेट वेक्टर था उसको हमने उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया इसके बाद हम देखते हैं जी कि यहाँ पे जो अगर हमने एक स्ट्रिंग के साथ एक जो है
बाल को अटैच किया हुआ है तो डेफिनेटली जो है वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है. यहाँ पे देखेंगे जो टेंशन होगी वो अपवर्ड होगी, तो यहाँ पे हम कह देंगे जो टेंशन है वो इस पॉइंट के ऊपर क्या है, अपवर्ड है. लेकिन अगर हम इस पॉइंट के ऊपर देखें या फिर पेंडुलम की पूरी जो मोशन है उसमें देखेंगे तो किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप टेंशन को जो है, जाहिर सी बात है टेंशन एक फोर्स है और उसकी डायरेक्शन को अगर आप मार्क करना चाहते हैं तो जिस भी पॉइंट के ऊपर देखेंगे ये जो टेंशन है होगी हमेशा टुवर्ड्स द पिवट पॉइंट होगी, जिस पॉइंट के ऊपर हमने हमारी जो स्ट्रिंग है उसको रिजिड सपोर्ट के साथ अटैच किया हुआ है. तो इसका मतलब है अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो जो आपके पास टेंशन होगी वो इस तरह से होगी, जो है वो क्या बोलते हैं, पिवट पॉइंट की तरफ. अब यहाँ पे देखें तो टेंशन और ये जो एम जी कॉस ऑफ थीटा है ये दोनों क्या है, एक दूसरे की अपोजिट इन डायरेक्शन है, ये इस तरफ ये दूसरा इस तरफ है. तो यहाँ पे क्या होगा जी, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे. जब दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे तो इन दोनों का जो नेट इफेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. और इसकी वजह से क्या होगा, इस लाइन के ऊपर कोई मोशन नहीं होगी. हमें नज़र भी आता है कि पेंडुलम में हम क्या देखते हैं कि मोशन आपकी सिर्फ इस लाइन के ऊपर होती है, इस तरह से ऊपर या फिर नीचे कोई मोशन नहीं होता. उसके बाद आपके पास जो फोर्स रह जाती है वो सिर्फ और सिर्फ ये वाली फोर्स रह जाती है, या फिर जो है आपके पास वेट का कंपोनेंट रह जाता है. और हम कहते हैं कि ये वाला कंपोनेंट जो है इसकी डायरेक्शन इस तरफ से है, इस तरफ है. अगर हम इसको जो है यहाँ पे बनाना चाहें तो यहाँ पे हम इस तरह से बना सकते हैं और ये वाली लाइन क्या होगी जी, एम जी और साइन ऑफ थीटा के बराबर होगी. तो इसका मतलब है ये वाला वेक्टर एम जी साइन ऑफ थीटा है और इसकी वजह से ही यहाँ पे मोशन हो रही होती है. और क्योंकि ये वाली जो फोर्स है वो बेसिकली क्या कर रही है, इस जो आपका जो बाल था जिसको हमने उठा के यहाँ पे लेके आए, इस बाल को अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ वापस लेके जाने की कोशिश कर रही है. तो हम कहते हैं कोई भी वो फोर्स हो जो क्या करे, ऑसिलेटरी मोशन के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसको उसकी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ जो है रिस्टोर करने की कोशिश करे, तो उसको हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स. तो इसका मतलब है एम जी साइन ऑफ थीटा जो है यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स का रोल प्ले कर रही है. ओके, तो यहाँ पे मैंने आपके लिए लिखा हुआ है पहले से कि एम जी साइन ऑफ थीटा प्रोवाइड्स द रिस्टोरिंग फोर्स. और हमें पता है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है, जैसे हम मैस स्प्रिंग सिस्टम के अंदर जो है वो यानी पढ़ते हैं कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसको हम हुक्स लॉ से लिखते हैं. तो यहाँ पे जो हुक्स लॉ है हम जानते हैं कि वो होता है आपके पास एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स. बिल्कुल इसी तरह से हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन ऑफ थीटा लिखेंगे. रिस्टोरिंग फोर्स को हमने नेगेटिव साइन के साथ लिखा और यहाँ पे ये जो नेगेटिव साइन है यहाँ पे या फिर यहाँ पे, ये हमें बताता है कि ये जो फोर्स है वो ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजिशन है. तो इसको मैंने आपके लिए लिखा हुआ है कि नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजिशन. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे जो के होता है ये स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, बिल्कुल इसी तरह से जो एम है और जी है ये दोनों यहाँ पे कांस्टेंट हैं. तो ये दोनों जो है यहाँ पे कांस्टेंट का रोल प्ले करेंगे और थीटा जो होगा आपके पास बेसिकली ये क्या होगा, आपके पास वेरिएबल होगा. ओके, तो इस तरह से हमने देखा कि जो पेंडुलम की मोशन है वो सिर्फ और सिर्फ एम जी साइन ऑफ थीटा की वजह से होती है. इसके बाद जो है हम देखते हैं कि जो पेंडुलम का टाइम पीरियड है उसका फार्मूला क्या होगा. तो फार्मूला को हम यहाँ पे डिराइव नहीं करेंगे, बेसिकली हम यहाँ पे एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे. तो यहाँ पे आपके पास जो फार्मूला होता है वो 2πL/g होता है. लेकिन यहाँ पे हमें एक बात यहाँ पे देख लेनी है कि जो टी है और जो लेंथ का अंडर रूट है इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है, और जो जी है जी का अंडर रूट और जो टाइम पीरियड है इनके बीच में इनडायरेक्ट रिलेशन होता है. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप जो है लेंथ की वैल्यू को बढ़ाएं तो टाइम पीरियड की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर आप क्या करते हैं जी की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो जो टी की वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी. तो इस तरह से हमने देखा कि जो जी है उसकी जो डिपेंडेंस है वो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जिसको हम यहाँ पे मार्क किया करते हैं कि यहाँ पे जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है यहाँ से लेके सेंटर ऑफ द बाल तक. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लेंथ होती है वो यहाँ तक नहीं हम मार्क करते बल्कि सेंटर ऑफ बाल तक हम मार्क करते हैं. तो इसका मतलब है इसको हम यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं लेके आएंगे बल्कि हम यहाँ तक इसको मार्क करेंगे. और ये जो लेंथ होती है इसको हम कहते हैं ये एल है. कि अगर आपके पास जो पेंडुलम है, यहाँ पे हमने कह दिया कि जो पेंडुलम है इसका जो बाब है हमने शुरू में इस्तेमाल किया वो 1 kg का है, और उसके बाद आप क्या करते हैं ये जो बाल है इसको रिप्लेस कर देते हैं या फिर एक नया बाल लेके आते हैं जिसका मैस जो है वो 1 kg नहीं बल्कि 10 kg है. तो नया बाल लाने
के बाद जो है जो टाइम पीरियड होगा, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे सेम है, लेंथ है या स्पोर्ट है या बाकी जो कंडीशंस हैं वो सारी की सारी सेम है। तो अगर आप यहाँ पे बाल जो है वो हैवी बाल लेके आते हैं, ज़्यादा मैस वाला बाल लेके आ जाते हैं, तो फिर जाके यहाँ पे जो टाइम पीरियड है उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, वो बढ़ता है या कम होता है, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। तो इसका जवाब देने के लिए हम क्या करते हैं जी कि टाइम पीरियड जो है, क्योंकि टाइम के बारे में आपसे सवाल पूछा गया है, तो टाइम पीरियड का जो फार्मूला है आप उसको जो है रिकॉल करेंगे, उसको देखेंगे। अगर यहाँ पे मैस का जिक्र नहीं है तो जो टाइम पीरियड होगा वो मैस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब मैस बढ़ाएं या फिर कम करें, टाइम पीरियड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और इसको हम कहते हैं कि जो टाइम पीरियड है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मैस है। इसको मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो टाइम पीरियड है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मैस होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमसे जो है ना पूछा जा सकता है कि अगर आप क्या करते हैं कि इनिशियली आपके पास जो पेंडुलम का आप कह लें कि जो एम्पलीट्यूड है वो मैं कह देता हूँ कि 4 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है। अगर आप क्या करते हैं 4 की बजाय इसको जो है ना 8 सेंटीमीटर कर देते हैं, अगर आप 8 सेंटीमीटर करते हैं तो डेफिनेटली आपने एम्पलीट्यूड को बढ़ा दिया। एम्पलीट्यूड अगर आपने बढ़ा दिया है पहले यहाँ से लेके यहाँ तक था, बाद में आप क्या करते हैं जी, हम यहाँ पे इसको बना लेते हैं इस तरह से कि आप बाद में क्या करते हैं जी, यहाँ पे लेके आ जाते हैं पेंडुलम को और यहाँ पे लाके छोड़ते हैं, आपके पास जो एम्पलीट्यूड है वो 8 सेंटीमीटर हो जाता है। तो बताएं कि जब आपने एम्पलीट्यूड को बढ़ाया तो यहाँ पे इसको एक साइकिल मुकम्मल करने के लिए जो टाइम लगता है जिसको हम टाइम पीरियड कहते हैं, क्या वो बढ़ेगा या फिर कम होगा? तो अगेन हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का जो है जवाब देने के लिए टाइम के बारे में सवाल पूछा गया है तो टाइम पीरियड का फार्मूला जो है हम रिकॉल करेंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं तो जो डिपेंडेंस है वो लेंथ और जी के ऊपर है, एम्पलीट्यूड का यहाँ पे अगेन कोई जिक्र नहीं है। तो इसका मतलब है एम्पलीट्यूड के बढ़ाने से या फिर एम्पलीट्यूड के कम करने से हमारा जो टाइम पीरियड होगा उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसको भी जो है मैंने आपके लिए लिखा हुआ है कि ये क्या है जी, इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड होता है। उसके बाद जी फ्रिक्वेंसी का अगर हम यहाँ पे रिलेशन देखना चाहें तो हमें पता है कि जो टाइम पीरियड होता है और जो फ्रिक्वेंसी होता है ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, आपस में इनका इन्वर्स रिलेशन होगा। तो यहाँ पे हम कह देंगे जी कि इसका अगर हम रेसिप्रोकल लें तो आपके पास फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। इसका रेसिप्रोकल लेने का मतलब क्या, 1/2, और ये वाली चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपके पास रिवर्स हो जाएंगी। तो फ्रिक्वेंसी का फार्मूला आपके पास बन जाएगा। हाँ जी, इसके बाद जो है एक बड़ा कॉमन सवाल है जो हमसे पूछा जाता है कि जो सिंपल पेंडुलम है इसकी जो मोशन है क्या वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है। सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन सिर्फ और सिर्फ 0 से 10 की रेंज में होगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको मैंने लिखा आपके लिए कि पेंडुलम मोशन इज SHM फॉर स्मॉल एंगल 0 से 10 डिग्री तक। उसके बाद हम बात करते हैं जी कि अगर एक पेंडुलम जो है उसको आप क्या करते हैं, एक एलिवेटर के अंदर प्लेस कर देते हैं। एलिवेटर का मतलब क्या है, लिफ्ट के अंदर प्लेस कर दें। लिफ्ट जो है डेफिनेटली ऊपर की तरफ भी जा सकती है, नीचे की तरफ भी आ सकती है। अगर लिफ्ट जो है अपवर्ड मोशन में है तो जो टाइम पीरियड है जिसका फार्मूला जो है हम जानते हैं, ये वाला फार्मूला है आपके पास, तो इसमें जो है कोई फ़र्क आएगा या नहीं आएगा, इसमें कोई चेंज होगा या नहीं होगा, इसको हम देखते हैं कि अगर जो लिफ्ट है अपवर्ड मोशन में हो या फिर डाउनवर्ड मोशन में हो तो क्या फ़र्क आता है। तो डेफिनेटली इसमें फ़र्क आता है। इस चीज़ को जो है समझने के लिए हमें जो रियल वेट और अपेरेंट वेट का कॉन्सेप्ट है वो हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए। हम जानते हैं कि जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे से ऊपर जाता है तो उसका जो वेट है वो बढ़ जाता है, और उसके लिए जो मैथमेटिकल इक्वेशन हम लिखा करते हैं वो इक्वेशन मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखी हुई है। वो इक्वेशन है जी आपके पास टी इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस एम जी। टी बेसिकली यहाँ पे आपके पास टेंशन होता है और ये जो स्प्रिंग बैलेंस होता है वो बेसिकली टेंशन को ही रीड कर रहा होता है, और टेंशन यहाँ पे बेसिकली जब वो मोशन में होगा तो टेंशन यहाँ पे अपेरेंट वेट के बराबर होगी। अपवर्ड मोशन में आपके पास जो टेंशन का आंसर आता है या फिर अपेरेंट वेट का आंसर आता है वो आपके पास ये होता है, और हम कहते हैं जो वेट होता है वो एम जी होता है, लेकिन यहाँ पे देखो तो एम इंटू ए प्लस जी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन में कुछ ना कुछ एडिशन हो रही है, और हम कहते हैं कि यहाँ पे आपके पास अपवर्ड मोशन के अंदर जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन है वो बढ़ जाता है। अगर इफेक्टिव एक्सेलरेशन बढ़ जाता है अपवर्ड मोशन में, इस वजह से क्या होता है, हमारा वेट बढ़ जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं अगर हम डाउनवर्ड मोशन के अंदर हों तो जो मैथमेटिकल इक्वेशन होती है हमारे पास वो ये है, डब्ल्यू माइनस एम ए होता है, इसको ए लिखेंगे। तो यहाँ पे आप क्या करें, एम जी माइनस एम ए लिखें, एम यहाँ से कॉमन ले लें, जी माइनस ए हो जाएगा। तो इसका मतलब है डाउनवर्ड मोशन के अंदर जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन है वो कम हो रहा है। तो हमें पता है यहाँ पे जी की वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब है अपवर्ड मोशन के अंदर अगर हम जो है
टाइम पीरियड को जो है बताना चाहते हैं तो हमें इफेक्टिव एक्सेलरेशन की वैल्यू का पता होना चाहिए. तो इसको हम लिखते हैं जी कि अगर आपके पास जो पेंडुलम एलिवेटर में है और जो पहला केस है आपके पास कि जो पेंडुलम है वो क्या करता है जी, नीचे से ऊपर जाता है, असेंड्स विद एक्सेलरेशन. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो पेंडुलम है वो नीचे से ऊपर तो जाता है लेकिन उसकी जो मोशन है वो एक्सेलरेटेड मोशन है या फिर वो एक एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है. तो तब जाके जो है हमने देखा कि यहाँ पे जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन है वो बढ़ेगा. अगर इफेक्टिव एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो यहाँ पे हम जी नहीं पुट कर सकते बल्कि हम क्या करेंगे, इफेक्टिव एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है पुट करेंगे और वो क्या होगी, जी प्लस ए होगी या ए प्लस जी होगी. तो यहाँ पे आपके पास जो टाइम पीरियड होगा उसका फार्मूला ये बन जाएगा. और हमने देखा है यहाँ पे टाइम पीरियड और जी या फिर टाइम पीरियड और एक्सेलरेशन जो है इनका आपस में इनवर्स रिलेशन है. तो इसका मतलब है अगर इफेक्टिव एक्सेलरेशन बढ़ रहा है तो टाइम को कम होना चाहिए और हम कहते हैं जो टी है वो डिक्रीज करेगा. डिक्रीज बिकॉज इफेक्टिव एक्सेलरेशन इंक्रीजेस. कि इफेक्टिव एक्सेलरेशन क्या करेगा, इफेक्टिव एक्सेलरेशन आपका इंक्रीज कर देगा. तो इसका मतलब है कि जब आपकी पेंडुलम नीचे से ऊपर मूव कर रही होगी तो आपके पास जो टी होगा वो डिक्रीज कर देगा. ओके, उसके बाद है जी कि अगर जो है जो हमारी लिफ्ट है वो ऊपर से नीचे आती और अगर वो ऊपर से नीचे आती है तब जाके जो आपके पास टाइम पीरियड है उसका जो फार्मूला है वो क्या होगा. तो उसके फार्मूला को बताने के लिए अगेन हमें देखना है कि डाउनवर्ड मोशन में हमारा जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन है वो बढ़ता है या फिर कम होता है. और इसको हम यहाँ पर डिसाइड कर चुके हैं कि डाउनवर्ड मोशन के अंदर आपका जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन है वो कम हो जाता है और वो होता है जी माइनस ए. तो आप यहाँ पर अगेन जी नहीं पुट करेंगे बल्कि क्या करेंगे, जी माइनस ए पुट करेंगे. और यहाँ पर आपके पास जो टाइम पीरियड का फार्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा 2πL/g-a. तो इसका मतलब हुआ इफेक्टिव एक्सेलरेशन यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है. इफेक्टिव एक्सेलरेशन अगर आपका यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है तो इनवर्स रिलेशन होने की वजह से क्या होगा कि टी को इंक्रीज करना है. तो इसका मतलब है टी इंक्रीजेस बिकॉज इफेक्टिव एक्सेलरेशन डिक्रीजेस. सेकंड रिजल्ट हमने देखा. उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हमारा जो पेंडुलम है वो ऊपर से नीचे तो आता है, डिसेंड्स विद जी. हाँ जी, कोई भी ऑब्जेक्ट है ऊपर से नीचे आता है ना अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ तो उसकी मोशन को हम कहते हैं कि इसकी जो मोशन है वो फ्री फॉल मोशन है. इसका मतलब क्या है कि अगर जो है हमारी जो लिफ्ट है वो फ्री फॉल मोशन के अंदर हो तो तब जाके जो पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है उसका फार्मूला क्या होगा. तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जैसे हमने देखा कि ऊपर से नीचे आने के लिए ये आपके पास मैथमेटिकल इक्वेशन बनती है और यहाँ पे जो ए है वो वाला एक्सेलरेशन है जिसके साथ हमारी लिफ्ट मूव कर रही है. और अगर हमारी जो लिफ्ट है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है तो इसका मतलब है जी माइनस ए नहीं पुट करेंगे, ए की जगह पे हम जी को पुट कर देंगे क्योंकि अब डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हमारा ए नहीं है बल्कि जी है. तो जी माइनस जी करेंगे तो जीरो हो जाएगा. तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो जो होता है वो अनडिफाइंड होता है या फिर इन्फिनिटी होता है. तो इसका मतलब है ये वाली जो चीज़ होगी इसका आंसर आपके पास इन्फिनिटी आ जाएगा. इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जी माइनस जी आपके पास जीरो हो जाएगा और उसके बाद अंडर रूट है. तो इन्फिनिटी का जो अंडर इसका आंसर आपके पास इन्फिनिटी होगा. तो आपके पास जो इन्फिनिटी है उसका अंडर रूट भी इन्फिनिटी आएगा और इन्फिनिटी के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई कर ले फिर भी वो इन्फिनिटी ही रहता है. तो इसका मतलब है कि आपका जो टाइम पीरियड है वो इन्फिनाइट हो जाएगा. इन्फिनाइट होने का मतलब क्या है कि टाइम पीरियड इन्फिनाइट होने का मतलब है कि पेंडुलम जिस भी पोजीशन में होगी वो वहीं पे रुक जाएगी, वो मूव इस तरह से नहीं करेगी. तो इसका मतलब है अगर जो हमारी पेंडुलम है वो ऊपर से नीचे गिरती है लेकिन विद ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो उसकी जो वाइब्रेशन है वो सीज हो जाएगी, अपनी जगह पे रुक जाएगी. तो हम कह देंगे पेंडुलम will be at rest because the effective acceleration is zero. कि effective acceleration क्या हो जाता है जी, zero हो जाता है. इस वजह से जो pendulum है हमारी वो rest के ऊपर आ जाए. इसके बाद हम बात करते हैं कि एक pendulum को है अगर जो है हम एक train के अंदर place कर दें, अगर हम एक train के अंदर place करते हैं तो तब जाके जो है उसका जो time period का formula होगा वो क्या होगा, इसके ऊपर हम बात करते हैं. हम कहते हैं जी कि आपके पास जो train है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से मूव कर रही है और फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने का मतलब क्या है कि उसका जो एक्सेलरेशन है वो इस तरह से है फॉरवर्ड डायरेक्शन में. एक एक्सेलरेशन आपके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में और जाहिर सी बात है जो जी होता है वो ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है. तो इसका मतलब है जी डाउनवर्ड होगा. तो आपके पास दो किस्म के एक्सेलरेशन है, एक जी है और दूसरा ए है. अगर आप यहाँ पर टाइम पीरियड का फार्मूला जो है बताना चाहते हैं या फिर बनाना चाहते हैं तो आपको इन दोनों एक्सेलरेशन का जो नेट इफेक्ट है उसको कैलकुलेट करना होगा. तो नेट इफेक्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये दो वेक्टर हैं इनको हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं. अगर हम इनको ऐड करना चाहें हेड टू टेल रूल के मुताबिक
तो इसको हम मान लेते हैं कि ये आपके पास फर्स्ट वेक्टर है और ये आपके पास सेकंड वेक्टर है. आप क्या करें, पहले वेक्टर को ड्रा करें, इसको यहाँ पे मैंने ड्रा किया हुआ है पहले से, और पहले वेक्टर के हेड के साथ दूसरे की टेल मिला दें. ये मिला दी तो पहले वेक्टर के टेल से लेके आखिरी वेक्टर के हेड तक आपके पास रिजल्टेंट आ जाएगा. और यहाँ पे हम जानते हैं कि अगर आपके पास किसी भी वेक्टर के जो है, हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स गिवन हो, ये है ना आपके पास, ये एक्स कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट है, इसको हम एक्स कहते हैं, इसको हम वाई कहते हैं. अगर हमने वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी हो तो हम कहते हैं वेक्टर की मैग्नीट्यूड का जो फार्मूला होता है वो होता है आपके पास ए एक्स का स्क्वायर और ए वाई का स्क्वायर और होल का अंडर रूट. तो इसका मतलब है ये जो वेक्टर है इसके हम ये दो वाले जो होंगे इनको हम कंपोनेंट मान लेंगे, एक को हम एक्स कंपोनेंट मान लेते हैं, दूसरे को हम वाई कंपोनेंट मान लेते हैं. दोनों की स्केयरिंग करेंगे, ऐड करेंगे, अंडर रूट ले लेंगे, तो इस वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होगी वो हमारे पास आ जाएगी. तो इसका मतलब है आपके पास जो इफेक्टिव ए होगा, ए के साथ मैं ई डबल एफ लिख देता हूँ, इफेक्टिव एक्सेलरेशन जो होगा आपके पास वो क्या बन जाएगा जी, ए का स्केयर प्लस जी का स्केयर और होल का अंडर रूट. तो इसका मतलब है इस केस के लिए आपके पास जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन आया है वो क्या है जी, ए का स्केयर प्लस जी का स्केयर और होल का अंडर रूट है. तो जैसे हमने यहाँ पे देखा इस केस के अंदर कि जो भी आपका इफेक्टिव एक्सेलरेशन आता है उसको हम जी की जगह पे पुट कर देते हैं. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो टाइम पीरियड का फार्मूला है उसको हम एज इट इज लिखेंगे, 2πL, और जी की जगह पे आप क्या करेंगे इस वैल्यू को पुट कर देंगे. तो जी की जगह पे मैंने ये वैल्यू पुट कर दी तो आपके पास जो क्या बोलते हैं पेंडुलम है, अगर वो जो है एक ट्रेन में है या फिर एक कार में है, किसी भी चीज़ में अगर वो फॉरवर्ड मोशन में है इस तरह से, तो उसके लिए ये फार्मूला क्या होगा, वैलिड होगा. ओके, उसके ऊपर हम बात करते हैं जी कि यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अक्सर हमसे पूछा जाता है कि जो टाइम पीरियड है इसमें जो चेंजेस हैं क्या वो हमेशा आएंगी या फिर जो हर एक मोशन के लिए होंगी या फिर किसी स्पेसिफिक मोशन के लिए होंगी. तो याद रखेंगे कि हमने देखा कि टाइम पीरियड अगर चेंज हो रहा है तो इस एक्सेलरेशन की वजह से चेंज हो रहा है, वो बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है वो तो हम रिलेशन के मुताबिक देख लेंगे या बाद में देखेंगे, तो या बल्कि हम पहले देख चुके हैं. तो ये जो है यहाँ पे एक्सेलरेशन अगर नहीं है, इसकी वैल्यू जीरो है, तो ये फार्मूला बिल्कुल ऐसे ही है जैसे लोग पेंडुलम रेस्ट के ऊपर है, तो उसमें कोई चेंज नहीं आती. अगेन हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे भी क्या है, एक्सेलरेशन की वजह से ही आपके पास जो टाइम पीरियड है उसमें चेंज आती है. और यहाँ पे देखें तो आपके पास डाउनवर्ड एक्सेलरेशन जो है वो जी है, तभी जाके टाइम पीरियड में क्या हुआ है, चेंज आया है. और यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे भी जो आपका इफेक्टिव एक्सेलरेशन है, अब जैसे रेस्ट के ऊपर पेंडुलम होता है तो आपका जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन होता है वो जी होता है. अब अगर जो इस तरह की मोशन में है तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन आपका जी नहीं है बल्कि ए का स्केयर प्लस जी का स्केयर अंडर रूट है. तो इसका मतलब है आपके पास जो चेंज आती है वो आपका जो रेस्ट के ऊपर एक्सेलरेशन है जी, इसमें कुछ बढ़ जाए या फिर इसमें से कुछ माइनस हो जाए तब जाके आपके पास कोई ना कोई चेंज आती है. तो इसका मतलब है टाइम पीरियड के अंदर चेंज आने के लिए जो आपको ज़रूरी है वो सिर्फ और क्या, सिर्फ क्या है कि आपकी जो मोशन है वो एक्सेलरेटेड मोशन होनी चाहिए. तो हम कह देंगे चेंजेस इन टी, टी इसको हम लिख देते हैं चेंजेस इन टी अकर्स, कि जो टी है उसमें चेंजेस आती हैं ओनली फॉर एक्सेलरेटेड मोशन. अगर आपका जो मोशन है वो एक्सेलरेटेड है तो उसमें चेंजेस आएंगी. अगर आपकी जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, वो नीचे की तरफ मूव कर रही है, सॉरी वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है, वो नीचे की तरफ मूव कर रही है, तो या फिर जो है वो इस तरह से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, शर्त क्या है कि उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए. एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर जीरो है तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड होगा उसके फार्मूला में कोई चेंज नहीं आएगा और यही होगा आपके पास टाइम पीरियड का फार्मूला, 2πL/g अंडर रूट. ओके, तो इसका मतलब है नो चेंज फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए जो एक्सेल जो आपके पास टाइम पीरियड का फार्मूला है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगी. उसके बाद जो है हम एक MCQ प्लेस करते हैं, इफ़ अ पेंडुलम इज इन लिफ्ट डिसेंड्स, डिसेंड्स का मतलब क्या, वो ऊपर से नीचे आएगा विद ए इक्वल टू जी बाई फोर, देन टी डैश विल बी, इसका मतलब है जब वो ऊपर से नीचे आता है तो उसका जो नए वाला टाइम पीरियड है चेंज होने के बाद जिसको हमने यहाँ पे देखा था उसकी वैल्यू क्या होगी. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस फार्मूला को उठा के यहाँ से लिखते हैं, और ये है आपके पास 2πL/g - a, तो ये 2πL/g - a लिख देंगे. अब यहाँ पे जो a है वो जी बाई फोर है, तो इसका मतलब है ये आपके पास g माइनस ए, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पहले से थोड़ी सिंप्लीफाई करके फाइंड करते हैं. अगर हम इसको फाइंड करें तो g माइनस ए की बजाय हम क्या लिख देंगे, g बाई फोर लिखेंगे, और इसको हम क्या करते हैं जी LCM लेके हल करें तो ये 4g - g हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 रहेगा, तो ये बन जाएगा आपके पास 3g बाई फोर. इसका मतलब हुआ कि ये 3g बाई फोर जो है
ये आपके पास इफेक्टिव एक्सेलरेशन की वैल्यू है, और अगर ये इफेक्टिव एक्सेलरेशन की वैल्यू है तो हम यहाँ पे पुट करेंगे। इस यहाँ पे पुट करने का मतलब क्या है, यहाँ पे हम लिख देंगे 3g/4। तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये जो चीज़ है आपके पास 3/4, इसको आप देखें तो ये जो है, ये जो फार्मूला होता है आपके पास रेस्ट के ऊपर 2πL/g, इससे हट के है। तो हम क्या करते हैं, इसको जो है हम सिंप्लीफाई करते हैं, बाकी चीज़ें जो है उनको हम t के बराबर रख लेंगे। और अगर हम यहाँ पे इसको ऊपर लेके जाएं तो ये 3/4 की बजाय 4/3 हो जाता है, और अंडर रूट के बीच में ऐसे ही रहेगा। तो इसका मतलब है इसको हम लिख सकते हैं 2πL/g अंडर रूट, और इसको हम लिख लेंगे 4/3 और होल का अंडर रूट, क्योंकि हम इसको ऊपर लेके गए। अब ये वाली जो सारी चीज़ है ये हमें पता है टी के बराबर होती है, और हम यहाँ पे फाइंड करने जा रहे हैं टी डैश, और इसको हल करें तो ये बन जाता है 2/3 का अंडर रूट। तो इसका मतलब हुआ कि आपके पास जो नए वाला टाइम पीरियड होगा उसमें क्या होगा, 2/3 का जो अंडर रूट है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इस तरह का आप अगर आप ऑप्शन देखें तो यहाँ पे जो है आपके पास जो ऑप्शन होगा वो ये ऑप्शन आपका ठीक हो सकता है, और इसको आप टिक कर देंगे। तो दैट्स ऑल अबाउट द सिंपल पेंडुलम।